ये तो आपको पता ही होगा कि 1960s से 1990s तक इंडिया का नंबर वन वॉच ब्रांड था HMT वॉचेस। 1984 में टाइटन के आने के बाद टाइटन ने इंडियन वॉच मार्केट पे राज किया। पर क्या आपको पता है कि एक और तीसरा वॉच ब्रांड था जिसका नाम कोई लेता नहीं है, पर इस मेड इन इंडिया वॉच ब्रांड ने HMT और टाइटन को तगड़ा कॉम्पिटिशन देके रखा था 1980s में। उस वॉच ब्रांड का नाम है ऑलविन वॉचेस, और आज हम इसी ऑलविन वॉच के खूबसूरत वॉच का रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो स्केलेटन डिजाइन में ऑलविन क्वार्ट्ज वॉच है, ये बहुत रेयर पीस है एंड मोस्ट सॉट ऑफ मॉडल है। इसकी खासियत है, सबसे पहले तो ये स्केलेटन डायल, जिसमें से आप इस गोल्डन स्ट्रक्चर वाले सेको के क्वार्ट्ज मूवमेंट को देख सकते हो। स्केलेटन डायल वॉच के मूवमेंट के इनर वर्किंग्स को देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, और स्पेशली इस ऑलविन वॉच के डिजाइन को ना एक आर्ट की तरह बनाया गया है। इन व्हील्स और गियर्स को घूमते हुए देखने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है। जब आप इस वॉच को पहनोगे ना, लोग आपसे इसके बारे में जरूर पूछेंगे, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है एंड लोगों ने ऑलविन वॉच ब्रांड के बारे में सुना नहीं है अनफॉर्चुनेटली। दूसरी अच्छी चीज मुझे लगी ये सब डायल, जिसमें सेकंड हैंड दिया हुआ है। डायल पे 5 to 60 seconds की नंबरिंग है। ये छोटा सा सब डायल ओवरऑल वॉच के सोफिस्टिकेटेड लुक को और भी एनहांस कर देता है। बाकी डायल को सिंपल रखा गया है, मेटालिक आवर इंडाइसेस गोल्ड टोन में, ब्लैक टोन में आवर एंड मिनट हैंड्स। डायल पे बड़े अक्षरों में ऑलविन प्रिंटेड है, नीचे क्वार्ट्ज लिखा है एंड उसके नीचे इंडिया लिखा है। यहाँ मूवमेंट का रेफरेंस नंबर है, जो बेसिकली सेको का मूवमेंट है। पीछे एक क्लोज स्टेनलेस स्टील केस बैग है, जिसमें अगेन ऑलविन की ब्रांडिंग है एंड मॉडल का रेफरेंस नंबर है। तो आप जान लेते हैं थोड़ा सा ऑलविन वॉचेस के हिस्ट्री के बारे में। देखिए, ऑलविन वॉचेस भी HMT वॉचेस की तरह एक सरकारी कंपनी थी। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इनका ऑफिस हुआ करता था। जैसे HMT वॉचेस HMT लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है, वैसे ही ऑलविन वॉचेस भी हैदराबाद ऑलविन लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी है। हैदराबाद ऑलविन लिमिटेड 1942 में बनी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड ऑलविन वॉचेस डिवीजन को 1981 में शुरू किया था सरकार ने। 1980s में ऑलविन के रेफ्रिजरेटर्स फेमस थे। ऑलविन का एक स्कूटर भी बहुत ही पॉपुलर था, जिसका नाम था पुष्पक। जैसे कि HMT वॉचेस ने सिटीजन से टाई अप करके वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग करी थी, वैसे ही ऑलविन वॉचेस ने सेको से टाई अप करके टेक्नोलॉजी शेयरिंग करी थी। ऑलविन ने अपने वॉचेस में सेको के मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया और उनको डेवलप किया। जैसे HMT वॉचेस के साथ हुआ, वैसे ही ऑलविन वॉचेस के साथ हुआ। 1985 में भारी नुकसान की वजह से ऑलविन वॉचेस को बंद कर दिया गया। HMT फिर भी ऑपरेशनल है। HMT वेबसाइट पे आप HMT के वॉचेस खरीद सकते हैं, पर ऑलविन वॉचेस आपको रिटेल मार्केट में तो नहीं मिलेगा, अनलेस कोई अपना पुराना ऑलविन वॉच सेल कर रहा है। मैंने भी ये वॉच किसी जानने वाले सेलर से ही खरीदे है, जिसको मैं जानता हूँ एंड आई कैन ट्रस्ट, एंड मुझे इस वॉच के साथ वारंटी भी मिली है। तो आप भी विंटेज वॉचेस को ना यहाँ वहाँ फ्लिपकार्ट अमेजोन से मत खरीदिए, अनलेस कि यू नो दैट गाय पर्सनली एंड आपको एक बैकअप है वारंटी का। तो ये थी ऑलविन वॉचेस की कहानी, जो 1980s में HMT की तरह इंडियन वॉच मार्केट पे राज करता था। ऑलविन वॉचेस के यादों को ताजा करने के लिए चलिए एक एड देखते हैं। ये एड ऑलविन वॉच का ही है। तो ये था दोस्तों ऑलविन स्केलेटन क्वार्ट्ज वॉच का रिव्यू एंड ऑलविन वॉचेस की भूली बिसरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय। जय हिंद।